और इसी सबवे अंधेरी सबवे के पास से हमारे संवाददाता गोविंद ठाकुर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई सहित उपनगर के अनेक इलाकों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं इस वक्त अंधेरी सब्बे के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं इस बारिश का असर, बारिश का पानी इस सब्बे में देखने को मिल रहा है। यह सब्बे कम नदी का रूप पकड़ लिया है। पानियों की जो धार है वो धार आप देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खौफनाक यह सब्बे का दृश्य इस समय बना हुआ है। वहीं सब्बे से जो लोग आते जाते हुए आपको दिखाई देंगे, करीब 3 से 4 फीट उनके घुटनों तक पानी इस वक्त सब्बे के अंदर भरा हुआ है। बता दें कि पैदल जाने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा हाइट पे है, इसलिए वहाँ कम पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो गाड़ियों की आवागमन के लिए रास्ता है, मेन सब्बे जो है करीब उसके अंदर 3 से 4 फीट पानी जमा है। और इसका परिणाम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड पर भी देखा जा रहा है। एसवी रोड पर ट्रैफिक जाम लगी हुई है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वहीं बीएमसी के कर्मचारी पंपिंग मशीन के जरिए लगातार सब्वे के अंदर से पानी निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश इतना तेज है कि जितना पानी बाहर नहीं निकल रहा है उससे कहीं ज्यादा पानी इस वक्त सब्वे के अंदर। और गोविंद ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गोविंद, जो अंधेरी का ये सबवे है वो सबसे व्यस्ततम इलाका है मुंबई का और सबसे पॉश इलाका भी, ऐसे में यहाँ पर पानी भर जाना सब कुछ ठप हो जाता है। अभी क्या सिचुएशन बताई जा रही है मुंबई की? जी बता दें कि अभी अंधेरी सबवे के बाहर का सिचुएशन बेहद खराब नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ सबवे नहीं, सबवे के बाहर की भी जो सड़कें हैं, सबवे के आसपास के भी जो इलाके हैं, उन इलाकों में भी पानी भरा हुआ है और पानी का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों के घरों में भी अब पानी घुसने की शुरुआत हो चुकी है। घरों में घुस गए हैं, पुलिस के बंदोबस्त यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। आसपास से जो लोग हैं उनको सब्बे और आसपास के जो सड़कें हैं वहाँ से दूर किया जा रहा है। कई गाड़ियाँ इस वक्त आपको पानी के अंदर बंद नजर आएगी, लोग धक्का मार के उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ सब्बे का ही नहीं बल्कि मुंबई उपनगर के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर इस वक्त जल जमाव जैसी परिस्थिति देखने को मिले, लेकिन सब्बे की जो हालत है वो एक भयंकर नदी का रूप जैसा दिख रहा है। पानी का जो बहाव है इतना तेज है कि जो पुलिस के बैरिकेड है, पुलिस के बैरिकेड भी आपको इधर दिखेगा कि पानी के धार में बहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के जवान उसको पकड़ के रखे हैं क्योंकि यही बैरिकेड यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं। और पानी का जो स्तर है, वाटरफॉल आपको दिखेगा, जो आसपास के नाले हैं और नाले ऊपर से बहना शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि खतरे का जो निशान होता है सब्बे का, उस निशान से ज्यादा इस वक्त अंधेरी सब्बे में पानी भरा हुआ है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 3 से 4 फीट का पानी है। यह रोड है, इस रोड से हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन आज का यह जो मंजर है, मंजर देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि यह रोड है और एसबी रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाला यह रोड है। हालत गंभीर है, पानी का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, लोगों को सलाह दिया जा रहा है। देखिए वहाँ पे रेस्क्यू करने का काम चालू है, जो पानी में लोग फंसे थे बैरिकेड के ऊपर से उन्हें रेस्क्यू करके पुलिस की मदद से उन्हें साइड से बाहर निकालने का कोशिश किया जा रहा है। इस तरह से तमाम लोग हैं जो आसपास में फंसे हुए हैं, पानी में फंसे हुए हैं, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। जी जी गोविंद, नजर बना के रखिए, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं गोविंद इस वक्त मुंबई से। ये अंधेरी का सबवे है लेकिन पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है ये सबवे, और लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत है। राजीव खुद भी आप देख रहे हैं कि राजीव जब बोल रहे हैं उस वक्त बरसात हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश रुक नहीं रही, इसी वजह से नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है।